ओहो, आज तो मजा ही मजा है। क्यों? अरे 26 जनवरी की रैली आ रही है। रैली, अब जब रैली आएगी तो हम उस पे टूट पड़ेंगे, अपनी तो पार्टी हो जाएगी पार्टी। अरे वाह यार, 26 जनवरी के अवसर पर हमेशा गांव में रैली निकलती थी, पर कुछ समय पहले मनाकिया गांव में कुछ चुड़ैलों ने अपना घर बना लिया था। लोगों के मन में दहशत थी कि अगर रैली निकली तो कहीं चुड़ैल उनके ऊपर हमला ना बोल दे। न जाने कैसे डर के साए में तो गांव वाले अपना जीवन जी रहे थे। और फिर ऐसी हालत में क्या गणतंत्र दिवस और क्या स्वतंत्र दिवस। भाई बच्चे हम तो वैसे ही बहुत कम स्कूल जा रहे हैं, कहीं रैली के चक्कर में मेरा श्याम मर गया तो मैं क्या करूंगा? मेरा तो कोई बुढ़ापे का सहारा भी नहीं रहेगा। सही कह रहे हो भैया, अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई पर अब इन चुड़ैलों से आजादी कब मिलेगी। हमारा गांव तो अब गुलाम बन गया है गुलाम। बनाक्या गांव में चुड़ैलों की दहशत इस कदर फैल चुकी थी कि कोई पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। अरे हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं, पर यह रैली आ क्यों नहीं रही है? हाँ, मुझे भी आज तो मांस खाना है, पर ये रैली आ क्यों नहीं रही है? लगता है गांव वाले बहुत चालाक हो गए हैं। सही पकड़ी हो तुम। हम तो यूं ही ख्याली पुलाव पका रहे थे कि रैली आएगी तो हमको खाने को मिलेगा। अब क्या करें? कोई बात नहीं, रैली हमारे पास नहीं आ रही तो क्या हुआ, हम रैली बना के चले जाते हैं। यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। फिर क्या था, सारी चुड़ैले मिलकर रैली निकालती है। अरे बहनों, ये क्या कर रही हो? हम 26 जनवरी की रैली निकाल रहे हैं, हमारी रैली बहुत अच्छी लग रही है ना? क्या पागलों वाली हरकतें कर रही हो, हम चुड़ैले हैं। हाँ हम चुड़ैले हैं, इसीलिए तो बोल रही हूँ। भूख बातों से नहीं भरता, खाने को कुछ चाहिए। तो रैली से कैसे खाने की व्यवस्था करोगी? हमारी चुड़ैलों की अनोखी रैली देखने तो लोग आएंगे ना, तब हम उनको अपना शिकार बना लेंगे। अरे लोग आजकल बहुत चालाक हो गए हैं, वह कोई बाहर नहीं निकलेंगे। अरे खिड़की में से तो कोई ना कोई झांकेगा। आज तो हम हमारी पार्टी बना के रहेंगे। देखते हैं तुम्हारा आइडिया काम कर जाए तो। सभी चुड़ैले लाइन बनाकर चल देती है। ढोल और बाजों की आवाज सुनकर लोगों को लगता है जैसे किसी स्कूल की रैली निकल रही है, और उत्सुकता पूर्वक वह अपनी खिड़कियों को खोलकर झांकने लगते हैं। अरे शिकार दिखा शिकार, चलो आक्रमण! सारी चुड़ैले खिड़की खुलते ही आक्रमण बोल देती है और भरपेट मांस खाती है। आज तो मजा आ गया मजा। बोला था ना आइडिया काम करेगा, ये इंसान है, कुछ भी आवाज हो तो झाके बिना नहीं रहते। जैसे ही चुड़ैलों की रैली की गांव पूरे गांव में फैलती है, गांव की दहशत परवान चढ़ जाती है। यह क्या है मुखिया जी? अब तो चुड़ैले नए नए उपाय निकाल कर आक्रमण कर रही है। अब तक तो वह सिर्फ एक जगह रह रही थी और शिकार का इंतजार करती थी, पर अब तो वह गांव में ही रैलियां बनाकर आने लगी है। ऐसे तो इस गांव में कोई जिंदा ही नहीं रहेगा, सभी के सभी चुड़ैल का भोजन बन जाएंगे। बात तो तुम्हारी सही है, इसका कुछ ना कुछ उपाय करना होगा। अगर किसी के मन में चुड़ैलों को मारने का कोई उपाय है तो वह जरूर अपनी सलाह दे।
सलाह तो एक ही है मुखिया जी, बुराई चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के सामने घुटने टेकती है। उन चुड़ैलों को कोई पवित्र चीज ही खत्म कर सकती है। मैंने भूत के सीरियलों में देखा है, जब भूतों पर गंगाजल छिड़का जाता है तो वह मर जाते हैं। अगर हम चुड़ैलों पर गंगाजल छिड़के तो हो सकता है वह मर जाए। हो सकता है पर संभव तो नहीं। पर कोशिश करने में क्या हर्ज है, पर उन पर गंगाजल छिड़केगा कौन? मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है, अगर आप मानो तो। तभी गांव में स्पीकर के माध्यम से सूचना पहुंचाई जाती है कि 26 जनवरी के अवसर पर इस गांव में एक रंगारंग कार्यक्रम होगा, जिसमें देशभक्ति के गीत, नृत्य आदि प्रस्तुतियां प्रस्तुत की जाएगी। यह कार्यक्रम शाम को 6 बजे होगा, तो सभी गांव वाले एकत्रित हो। ये गांव वाले भी बड़े बहादुर निकले। सुबह जब हमने रैली निकाली थी और इतने लोगों को खाया था, उसके बाद भी वह आज शाम को कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे तो कुछ झोल लग रहा है। झोल करके करेंगे भी क्या, वह हम चुड़ैलों से जीत थोड़े ना सकते हैं। है तो आखिर इंसान ही। इंसान बहुत तेज होते हैं, उन्होंने जरूर हमें मारने के लिए कुछ जाल बिछाया होगा। ऐसी कौन सी चीज है जो हमको मारेगी? और फिर क्या हम इंसानों से डर के रहेंगे? हम आज शाम को भी पार्टी करेंगे, पार्टी। सभी सलाह मशवरा करके शाम को उस कार्यक्रम में जाने की योजना बनाती है। डीजे पर देशभक्ति के गाने बज रहे थे और कुछ लोग नाच रहे थे। इनकी हिम्मत की तो दाद देनी होगी। चलो आक्रमण करो। पर यह क्या, यहाँ तो इंसानों की जगह पुतले बिठाए गए थे। बोला था ना, यह जरूर कोई चाल है, देखो यह तो पुतला निकला। तभी वहाँ डीजे पर हनुमान चालीसा शुरू हो जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीह तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल थामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भागो चुड़ैलो भागो, मुझे यहाँ साजिश की बू आ रही है। अरे हमारे तो पैर ही नहीं उठ पा रहे हैं। यह हनुमान चालीसा हमारी शक्तियों को कमजोर कर रही है। अरे मुझे बहुत जलन महसूस हो रही है, बहुत जल रही हूँ मैं। मुझे भी बहुत जल रहा है। और थोड़ी देर में सारी चुड़ैलें जलकर राख में बदल जाती है। और उसके बाद सभी बड़ी खुशी के साथ गणतंत्र दिवस बनाते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।